दिल्ली में केजरीवाल के टक्कर का कोई काम पूरे विश्व में नहीं कर सकता। वो खुद को भगत सिंह बताता है और सोच क्या एक के साथ एक दारू फ्री। ये भगत सिंह सोचते थे, ये सुनिए, ये भगत सिंह सोचते थे क्या दिल्ली में केजरीवाल के टक्कर का किसी ने काम नहीं करा शिक्षा में? 9वीं में 7 लाख, 11वीं में 9 लाख बच्चे फेल हो गए। बहुत बढ़िया काम कर रहा है केजरीवाल, ये डाटा भी दो ना, 10वीं और 12वीं का डाटा दे रहे हो 100%। हमारे जो मामा है, हम लोग मामा बोलते हैं उसको, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो मुख्यमंत्री है, ठीक है, हेमंत जी, तो हमारा जो बोंगाईगांव हमारा डिस्ट्रिक्ट का नाम है, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा कॉलेज, जिस कॉलेज से मैं पास किया हूँ, वो यूनिवर्सिटी बन जाएगा। मैडम बताओ आप, जिस कॉलेज से मैंने पास किया वो वर्तमान में आज यूनिवर्सिटी बन रहा है। हमारे एरिया में छोटा सा जगह है, बोंगाईगांव नाम भी नहीं सुने होंगे अच्छे से, वहाँ मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, इंजीनियर कॉलेज खुल रहा है, एवरीथिंग खुल रहा है। आंखों से देखा है आपने, पक्की बात है? मैडम मैं फोटो दिखाऊँ क्या? फोटो तो मत दिखाइए, आप बताइए पक्की बात है? मैम मोदी को तो बिल्कुल नहीं देंगे, नरेंद्र मोदी तो हमारी लिस्ट से गया, आज क्या आगे आने वाले 10 साल बाद भी लिस्ट से ही गया, लिस्ट से गया। दिल्ली में केजरीवाल के टक्कर का कोई काम पूरे विश्व में नहीं कर सकता। वो खुद को भगत सिंह बताता है और सोच क्या एक के साथ एक दारू फ्री। ये भगत सिंह सोचते थे, ये सुनिए, ये भगत सिंह सोचते थे क्या दिल्ली में केजरीवाल के टक्कर का किसी ने काम नहीं करा शिक्षा में? 9वीं में 7 लाख, 11वीं में 9 लाख बच्चे फेल हो गए। बहुत बढ़िया काम कर रहा है केजरीवाल, ये डाटा भी दो ना, 10वीं और 12वीं का डाटा दे रहे हो 100%। उनको 10वीं और 12वीं में लेके ही नहीं जा रहे, क्यों? क्योंकि दिल्ली का रिजल्ट खराब हो जाएगा। दिल्ली में केजरीवाल ने बहुत बढ़िया काम करा है, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आज तक लॉस में नहीं गया उसको भी लॉस में लेके दिखा दिया। दो महीने से बैठे हुए मार्शल सैलरी के लिए कि भैया हमारी सैलरी करा दो, अभी तक उनकी सैलरी का पता नहीं है। ग्रुप सी और डी के सैलरी बढ़ने वाली है। दिल्ली में बहुत बढ़िया काम करा केजरीवाल ने, जो पानी, इतना गंदा पानी आज दिल्ली के जनता को पिला रहे हैं कि आधे से ज़्यादा दिल्ली के जनता हॉस्पिटलों में पड़ी हुई है। कितनी भी बुरी थी शीला दीक्षित जी, कम से कम वो पानी पी करके हम बड़े हुए, हम कभी बीमार तो नहीं हुए। आज बंदों को, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी के कुछ हो रहा है, आज देख रहे हैं। क्या कहता था वो बंदा, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। डेली शाम को 4 बजे 5 फाइलें इधर दबा के आता था, नीले कलर की हाफ बाजू की शर्ट पहन के, 10 रुपए का बटरफ्लो का पेन लगा के, सबके राज खोल देंगे। हाँ, और कहता था शीला दीक्षित की एक और घोटाले की पोल खोलता हूँ। अब आज जब खुद के घोटाले की पोल खुल रही है, भाई साहब 52 करोड़ का शीश महल बनाया उसने, और जब आपका घर टूटा ना जमुना में, जब जमुना की बाढ़ में आपका घर टूटा तो आपको 10,000 रुपए दिया घर बनाने के लिए, और खुद का घर कितने का बनाया? 52 करोड़ का, जिसमें 8-8 लाख के पर्दे लगा रखे है। और भाई साहब केजरीवाल की देसी लेटरिंगों पे उतर भी नहीं रही है, सुन तो लो। देखो मैं बताता हूँ जनता की दिक्कत यही है, केजरीवाल के भक्तों की दिक्कत यही है। देखो मैं आपको बताता हूँ, चाइना के सामान का, सुन लो, चाइना के सामान का, पाकिस्तान के ईमान का, राहुल और केजू के बयान का और चमचों के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है। पूरे 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 विश्व को पता है, पूरे विश्व को पता है, यहाँ प्रदर्शनी लग गई, केजरीवाल खुद कह रहा है भाई 52 करोड़ मकान में लगे, पर भाई साहब को अभी भी भरोसा नहीं है। इतनी अंधभक्ति, इसको कहते हैं चाटुकारिता, इसको कहते हैं चाटुकारिता। अगर काम ही करना है ना, मैडम मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ फ्री के, पूछो क्यों। मैं कहता हूँ बस में महिलाओं को चाहे 1 रुपये का टिकट हो पर होना चाहिए, इससे उनका आत्मसम्मान जिंदा रहेगा। हमारे सांसद गौतम गंभीर जी जो ईस्ट दिल्ली के सांसद हैं, पूरे पूर्वी दिल्ली के सांसद हैं, वहाँ पर 1 रुपये थाली में गांधीनगर के अंदर भरपेट भोजन खिलाते हैं। वो फिर भी कर सकते थे पर क्यों नहीं करा, क्योंकि वहाँ पर अगर कोई गरीब जाएगा तो उसको शर्म आएगी कि ये फ्री में बांट रहा है, भंडारे जैसा लगेगा, उसका आत्मसम्मान जिंदा रहे, इसलिए उसकी कीमत 1 रुपये लगाई। पर फ्री में कुछ नहीं देना चाहिए, ये फ्री में कुछ नहीं देना चाहिए। और इन्होंने कहा कि केजरीवाल का टक्कर का कोई काम नहीं कर सकता। आज केजरीवाल का दोस्त खुद आकर के बोल रहा है कि हाँ भाई मैंने केजरीवाल को 30 लाख रुपए दिए। अब ये बात भी ये सही नहीं मानेंगे, इनके नेता, इनके स्वास्थ्य मंत्री, उनका नाम है मसाज मंत्री, तिहाड़ जेल में मसाज ले रहे हैं, इनके स्वास्थ्य मंत्री निकल गए मसाज मंत्री, इनके शिक्षा मंत्री निकल गए शराब मंत्री। अब भाई साहब आम आदमी पार्टी का 7वां विकेट गिर गया, मुख्यमंत्री क्या निकलेगा? अरे मैडम मुख्यमंत्री तो भ्रष्टाचार की जननी है, वो कहता था ना केजरीवाल C4 करप्शन और C4 कांग्रेस। अगर करप्शन में कांग्रेस को भी किसी ने पीछे छोड़ा है ना, तो भाई साहब केजू जी ने छोड़ा, अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को भी फेल कर दिया करप्शन में। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि अनपढ़ प्रधानमंत्री नहीं चाहिए भैया। तो सुनो,
प्रधानमंत्री अनपढ़ हो कुछ हो ये मैटर नहीं करता, प्रधानमंत्री देशभक्त होना चाहिए। और मोदी जी देशभक्त हैं, राहुल गांधी की तरह नहीं कि अमेरिका में जाकर के बोले भारत में लोकतंत्र खतरे में है, यहाँ हमारे 150 भाई खड़े हुए हैं, ये भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, सब बोल रहे हैं, और सबको अधिकार है कि वोट की चोट दो और सरकार को उखाड़ के फेंक दो। दूसरी बात, जब केजरीवाल से आपके जैसे कोई समझदार पत्रकार जाके माइक लगाता है ना कि आपने शराब घोटाला क्यों करा, आपने ये क्यों करा, तो कहता है हमने कुछ भी करा हो, ये कराओ वो कराओ, पर दिल्ली की जनता तो हमें जिता रही है। अगर हम इतने बुरे होते तो दिल्ली की जनता हमें वोट क्यों देती? तो दिल्ली की जनता सुन लो, केजरीवाल की सिर्फ एक दवाई है, इस चुनाव में केजरीवाल को हार की गुट्टी पिलाओ, अपने आप केजरीवाल सही हो जाएगा। और अभी कह रहे हैं मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। भाई साहब एक बात बताओ, मैडम मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर इतने भाई खड़े हुए हैं कि केजरीवाल, ये केजरीवाल कहता था जी अगर मनीष सिसोदिया कभी गलत करे तो उसको जेल डाल दो, कभी संजय सिंह गलत करे उसको जेल डाल दो, तो भाई मुंह की बात सच हो गई, अब गलत करा तो जेल चले गए, अब कह रहा हमारे साथ गलत हो रहा है। आज केजरीवाल जी ईडी का समन आता है, पहले कहते थे कि हम तो अंग्रेजों से लड़े थे, हम किसी से डरते नहीं हैं, ईडी ने एक पूछताछ के लिए बुला लिया तो कह रहे मैं तो जाऊँगा नहीं, मैं तो निर्दोष हूँ। अरे भाई जाओ तो सही, ये आज ईडी और सीबीआई पर सवाल उठा रहे हैं, पर ये बात ये भूल गए कि प्रधानमंत्री मोदी पर 20 साल तक मीडिया का ट्रायल चला, 20 साल तक उस व्यक्ति पर मीडिया का ट्रायल चला और पूरी देश की मीडिया उनको आरोपी बना रही थी, पर उस व्यक्ति ने आज तक आके नहीं कहा कि मीडिया ने मेरे साथ गलत करा। केजरीवाल जी तो पूछ रहे हैं कि मैं मुझे किस किस हैसियत से बुला रहे हो आप? बता तो रहा हूँ, केजरीवाल को इस हैसियत से बुला रहे हैं जो उन्होंने अपने शराब मंत्री के साथ पैसे लिए हैं एक व्यापारी से, जो उन्होंने घोटाला करा है, अब उसकी पोल खुलेगी, केजरीवाल जेल जाने वाले हैं, जो करप्शन की जननी थी कांग्रेस पार्टी अब उनके साथ गठबंधन में। नहीं तो आप खुद सोचो मैडम, जो व्यक्ति अपने बच्चों की कसम खाता था, जो अपने बात का नहीं हो अपने बाप का नहीं, मैं तो सीधा कहता हूँ गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो अंधा या हो कोड़ी, केजरीवाल तो अपने गुरु का सगा नहीं हुआ, अल्लाह हजारे जी के पैर दबाते दबाते कब उनके कंधे से उछल के जंप मार दी पता ही नहीं चला, आज अन्ना जी खुद सदमे में। दूसरी चीज़ आप देख लो, केजरीवाल के जितने मित्र थे आज सारे जेल जा रहे, क्यों? क्योंकि करप्शन हुआ है, और नहीं हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों बेल नहीं दे रही है एक साल से? आप बताइए, आप जाकर वहाँ तथ्य रखिए, आपको बेल मिलेगी, पर आपने करप्शन करा है और इसका पुख्ता सबूत है। आपका खुद का दोस्त आकर के बोल रहा है, अगर मेरा दोस्त आकर के बोले कि हमने पैसे दिए हैं और कोर्ट में ट्रांजेक्शन दिखाए, तो भाई उसमें गलत क्या है? अब केजू जी को टेंशन हो रही है कि अब तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। आप इस बात को सोचो, उस व्यक्ति ने ये कहा था मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ मैं घर नहीं लूँगा, आज वो 52 करोड़ के मकान में है। उस व्यक्ति ने कसम खाई थी लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूँगा, आज रेंज रोवर में काफिला के साथ घूम रहा है। उस व्यक्ति ने कहा था मैं सुरक्षा नहीं लूँगा, आज Y+ सिक्योरिटी में घूम रहा है। तो भाई साहब, जो व्यक्ति तन मन धन तीनों से झूठा हो, जो अपने बच्चे का सगा नहीं है, अपनी बीबी का सगा नहीं है, गुरु का सगा नहीं है, तो देश की जनता का क्या सगा होगा? केजरीवाल जी तो ये कहते हैं ना कि जनता थप्पड़ मार देती है मैं बिना सिक्योरिटी के घूमता हूँ। मैडम आपको बता रहा हूँ, ये सब राजनीतिक प्रोपोगेंडा है, ये सब दिखावे की राजनीति है। आपने आज तक सुना होगा कि पुलिस जनता पर लाठीचार्ज करती है, पंजाब के अंदर पुलिस पर लाठीचार्ज हो रहा है, ये है केजरीवाल का लॉ एंड ऑर्डर। ये सुबह शाम केजरीवाल सिर्फ एक बात बोलता है, LG अबे LG और TV की बात कर रहे हो क्या? LG TV की बात कर रहे हो क्या? अच्छा। फ्रिज की बात कर रहे हो क्या? LG भाई साहब गवर्नर है वो, लेफ्टिनेंट, आप उसको LG चिल्लाते रहते हो पूरा दिन कि मोदी काम नहीं करने दे रहा है। मतलब ये तो ये हालत हो गई कि अगर केजरीवाल को छींक भी आ गई तो मोदी जी ने शायद यहाँ पर कुछ करवा दिया है। अच्छा। ये वाली हालत हो गई इनकी, भ्रष्टाचार से दिल्ली बेहाल, अब तो बख्श दो केजरीवाल। ये बहुत नारा चलाते रहे ना कि पच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल, भैया इन 9 सालों में हो गई देश की जनता बेहाल, दिल्ली की जनता बेहाल, करप्शन का आपने कर दिया भरमार, अब तो दिल्ली को बख्श दो केजरीवाल, और अब तो छोड़ दो। हम यहाँ कोई भक्ति नहीं कर रहे। मणिपुर के अंदर जो वो घटना हुई, मैं आज भी उस सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की निंदा करता हूँ, और आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ वहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना थी। महिलाओं के आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं है, चाहे सरकार किसी की भी।
रही हो, पर साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा मणिपुर का जो इन्होंने इतना बड़ा मुद्दा उठाया वो बिल्कुल सही है, वहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह इस्तीफा दें, पर हमारे बगल में दिल्ली से 200 किलोमीटर दूरी पर राजस्थान के अंदर 9 साल की बच्ची के साथ रेप होता है और उसको जिंदा जला दिया जाता है, अशोक गहलोत को भी इस्तीफा देना चाहिए। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का खुद का नेता एक महिला को नंगी परेड करा देता है, ममता बनर्जी को भी इस्तीफा देना चाहिए। बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी का, बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी की पलटू चाचा की सरकार है, पूनम यादव जी के नाक कान स्तन काट दिए जाते हैं, बहुत ही शर्मनाक घटना है, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल सबके लिए सेम होना चाहिए। आपका शैलेंद्र सिंह, 2024 में किसको वोट? मोदी जी। कौन सा काम बढ़िया लगता है? काम कितना गिनती करवाएं, शुरू से अभी तक कितनी काम गिनती करवा रहे हैं? कितने काम कर दिए क्या? कितनी काम गिनती भी बनाई नहीं जा रही एकदम। अच्छा। अभी मैं गुजरात से ही आ रहा हूँ, उनके काम का कोई सराहना करने लायक ये है नहीं कि सराहना हम करें, ये लोगों को आँख है, दिखता है, समझदारी है, समझता है, ऐसे बोलने से नहीं हो जाएगा कि नहीं किया है, उनके ऐसा तो काम ही नहीं हुआ आज तक। काम ही नहीं हुआ, 44 साल की उम्र है, दो बार मैंने वोट उन्हीं को दिया हूँ और आगे जब तक है तब तक मैं उन्हीं को वोट दूंगा। जी हाँ।